और इधर ईद पर गौरव गोगोई के नमाज पढ़ने पर आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने सवाल पूछा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय ये उत्साह कहां था। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं, यह उनकी धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हेमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे, अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यह उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था। मुझे पता है कि गौरव गोगोई नमाज पढ़ना कहां से सीखा है, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इसे कहां से सीखा है। हेमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि असम के मुसलमानों की समस्याएं तुष्टिकरण के जरिए हल नहीं की जा सकती, इन्हें सिर्फ राज्य सरकार की ओर से नौकरियां देकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाल विवाह के खिलाफ तैयार करके हल किया जा सकता है। कांग्रेस के दिमाग में खाली एक ही जाति होती है, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। एक महीने के चुनाव में हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं छेड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बस्तर में जाएंगे राहुल गांधी। विवादों से घिरे प्रत्याशी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद अब प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब आज राहुल गांधी की सभा बस्तर में होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर पहुंचेंगे। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राहुल गांधी सभा लेंगे। मोदी गारंटी के बाद अब बस्तर में न्याय गारंटी की बात होगी। राहुल गांधी बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और खैरागढ़ में सभा करेंगे, तो वहीं कल राजानंद गांव में अमित शाह की रैली होनी है। बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा विवादों में घिर चुके हैं। प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने रायपुर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। बस्तर में राहुल गांधी के दौरे के पहले ही लखमा को घेरने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। इससे पहले बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी ने पुलिस कर्मियों को लेकर विवादित बयान दिया था। पहले चरण में बस्तर में 19 और दूसरे चरण में राजनंद गांव, कांकेर व महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। न पक्ष न विपक्ष, बात सिर्फ निष्पक्ष। मुद्दा होगा बेजोड़। पॉलिटिशियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, सीधा जवाब नहीं देते। वो मेगा रोड शो जो शुरू होना है वो यहाँ से शुरू होगा। घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। नहीं मिलेगा तो खबर का पूरा सार मेरे साथ प्रहार। बीजेपी ने आगे चलकर बड़ा मुद्दा भी बनाया। अब लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार कांग्रेस की ओर से अमेठी में किसे उतारा जाएगा, क्योंकि अभी तक इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कयास है कि इस बार कांग्रेस अमेठी से प्रियंका गांधी पर दांव आजमा सकती है, मगर उससे पहले ही अमेठी के चुनावी मैदान में निकम्मा वाली राजनीति जोर पकड़ चुकी है। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर ईद पर गौरव गोगोई के नमाज पढ़ने पर आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने सवाल पूछा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय ये उत्साह कहां था। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के ईद समारोह में शामिल होकर नमाज अदा करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसद नमाज पढ़ रहे हैं, यह उनकी धार्मिक ईमानदारी पर सवाल है। हेमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कांग्रेस नेता उदासीन थे, वो विरोध कर रहे थे, अब ईद में शामिल होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यह उत्साह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय उनमें क्यों नहीं था। मुझे पता है कि गौरव गोगोई नमाज पढ़ना कहां से सीखा है, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इसे कहां से सीखा है। हेमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि असम के मुसलमानों की समस्याएं तुष्टिकरण के जरिए हल नहीं की जा सकती, इन्हें सिर्फ राज्य सरकार की ओर से नौकरियां देकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बाल विवाह के खिलाफ तैयार करके हल किया जा सकता है।
कांग्रेस के दिमाग में खाली एक ही जाति होती है, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। एक महीने के चुनाव में हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं छेड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बस्तर में जाएंगे राहुल गांधी। विवादों से घिरे प्रत्याशी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद अब प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की सभा के बाद अब आज राहुल गांधी की सभा बस्तर में होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बस्तर पहुंचेंगे। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राहुल गांधी सभा लेंगे। मोदी गारंटी के बाद अब बस्तर में न्याय गारंटी की बात होगी। राहुल गांधी बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए वोट मांगेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और खैरागढ़ में सभा करेंगे, तो वहीं कल राजानंद गांव में अमित शाह की रैली होनी है। बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा विवादों में घिर चुके हैं। प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने रायपुर मुख्य निर्वाचन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। बस्तर में राहुल गांधी के दौरे के पहले ही लखमा को घेरने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। इससे पहले बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी ने पुलिस कर्मियों को लेकर विवादित बयान दिया था। पहले चरण में बस्तर में 19 और दूसरे चरण में राजनंद गांव, कांकेर व महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। न पक्ष न विपक्ष, बात सिर्फ निष्पक्ष। मुद्दा होगा बेजोड़। पॉलिटिशियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, सीधा जवाब नहीं देते। वो मेगा रोड शो जो शुरू होना है वो यहाँ से शुरू होगा। घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। नहीं मिलेगा तो खबर का पूरा सार मेरे साथ प्रहार। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का तीखा हमला। 15 साल अमेठी ने निकम्मा सांसद ढोया। राहुल वर्सेस स्मृति, निकम्मे वाली राजनीति। 24 के लोकसभा चुनाव का पावर प्ले स्टार्ट है। एनडीए से लेकर इंडी गठबंधन तक चुनावी मैदान में है। प्रचार धुआंधार है, जोरदार है, लेकिन जुबानी वार पलटवार भी उतने ही तेज हैं। चुनावी मैदान से सियासी लड़ाई की ताजा तस्वीर अमेठी से सामने आई है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को रडार पर लिया है। राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वायनाड को अपना परिवार बताया है, वायनाड के लोगों को ईमानदार बताया है, तो फिर हम क्या हैं? राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी। स्मृति ने राहुल को निकम्मा तक करार दे दिया। स्मृति ने कहा कि 15 साल राहुल ने अमेठी के लिए कोई काम नहीं किया। 15 साल तक अमेठी ने निकम्मे सांसद को ढोया। केरल के वायनाड से पर्चा भरकर अपने परिवार अमेठी को राहुल ने छोड़ दिया। 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी के बयान को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मानसिक दिवालियापन बताया है। अजय राय ने कहा कि बीजेपी जल्द से जल्द स्मृति का मानसिक डॉक्टर से इलाज करवाए, बाकी आने वाला वक्त बता देगा कि कौन नकारा है।
ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इनको इनका मानसिक स्तर गिर गया है, इनको अच्छे किसी डॉक्टर की जरूरत है, तत्काल इनका मानसिक इलाज कराया जाए। वहीं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजराय की बात का जवाब अमेठी की जनता अभी दे रही है। जनता कह रही है कि गांधी परिवार ने अमेठी के लिए क्या किया, ये सबने देखा, लेकिन स्मृति ईरानी ने 5 साल के अंदर अमेठी की तस्वीर बदल कर रख दी। राहुल गांधी जब से हारे अमेठी कह बा रहे, और अमेठी को आप अपना परिवार बताते, उनकी नीतियाँ वो स्पष्ट नहीं, उनकी नीयत भी बहुत खराब है। यहाँ पे जीजा आए या दीदी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेठी वासियों के लिए। अमेठी ने उनको बहुत दूर भगा दिया है और अमेठी में अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़े थे। वायनाड में तो राहुल चुनाव जीत गए, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिस